आपके साथ साक्षी टुडेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म को लोकसभा चुनाव से पहले 5 अप्रैल को रिलीज किया जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज रोकने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर स्टे देने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनुप जयराम भंबानी की बेंच ने सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 17वें आम चुनाव के दौरान फिल्म की रिलीज होने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात कहते हुए फिल्म पर नतीजे आने तक बैन लगाने की मांग की गई है। बताते चले कि कई विपक्षी पार्टियों ने भी फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस, डीएमके और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने चुनाव से पहले फिल्म के रिलीज होने पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए बैन लगाने की मांग की है। बता दें कि मनसे ने तो यहाँ तक कहा कि भाई वो पीएम नरेंद्र मोदी को रिलीज ही नहीं होने देंगे, लेकिन फिलहाल एचसी ने भी अभी इस चीज पर स्टे लगा दिया है। अभी वक्त बताएगा कि मोदी जी बड़ी स्पेस पर छाते हैं या फिर नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।